जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। आज हम लोग आए हैं शिवराजपुर बीच, द्वारिका, श्री कृष्ण भगवान की नगरी है, वहाँ पर हम लोग आए हैं। और आप ये देख रहे हैं ब्लू बीच है, यहाँ पर जो भी नदी है गोवा जैसा है और बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है, एकदम कुदरती वातावरण है इधर। और ये बीच के अंदर बहुत ही एंजॉयमेंट है। अगर आप कभी भी द्वारका आओगे तो जरूर ये बीच के पास आइए। शिवराजपुर बीच है, बहुत ही अच्छा बीच है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, दो दिन हम लोग घूमने वाले हैं द्वारिका, उसके बाद हम जाएंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक छोटा सा फंक्शन भी है, वो अटेंड करेंगे और 18 तारीख के बाद हम लोग आएंगे वापस मुंबई, अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि बोरीवली में। आप ये बीच का नजारा देखिए, इतना पावरफुल बीच है। और ये बीच के अंदर सभी प्रकार के एंजॉयमेंट रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा बीच। ये सामने आपको दिखाई दे रही है लाइट हाउस, बहुत ही काफी अच्छा नजारा है, लाइट हाउस है। देखिए छोटे बड़े सबके लिए एंजॉयमेंट करने के ये बीच पे है। आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, क्लाइमेट अच्छा है। वाव, पर देखिए समुद्र का पानी भी कितना साफ है, और इसीलिए इसे ब्लू बीच कहते हैं, क्योंकि पानी भी पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है। बीच तो बहुत होते हैं, लेकिन मुझे ये बीच इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पूरा कुदरती वातावरण है। जरूर आना, जब भी द्वारका आप आओ तो शिवराजपुर बीच, द्वारिका से मैक्सिमम 5 किलोमीटर, ज्यादा लंबा नहीं है, उतना ही लंबा है।